आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हर बासी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो बासी होने के बावजूद भी सेहत को बहुत फायदेमंद होती हैं। इनमें से एक है गेहूँ। अक्सर आपने लोगों को बासी खाना न खाने की हिदायत देते हुए सुना होगा। बासी खाना हो या रोटी, दोनों ही सेहत के लिए खराब समझी जाती हैं। 12 घंटे से ज्यादा रखा हुआ बासी खाना खाने में फूड पॉइजनिंग, एसिडिटी और पेट खराब होने की संभावना को बढ़ा देता है। इतना ही नहीं बल्कि बासी खाने को गर्म करके खाने से सेहत को बहुत सारे नुकसान होने की संभावना होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर बासी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जो बासी होने के बावजूद सेहत को फायदा पहुंचाती हैं। इनमें से एक है गेहूं। भारत में ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे से बनाई गई जो रोटी होती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके साथ ही ज्यादातर भारतीयों में जरूरत से ज्यादा खाना बनाने की आदत भी होती है, जिसकी वजह से अक्सर घरों में रोटियां बच जाती हैं। बची हुई रोटी या तो फेंकनी पड़ती है या फिर किसी जानवर को खिलानी पड़ती है। लेकिन हम आपको आज बताएंगे बासी रोटी के फायदों के बारे में, जिन्हें जानने के बाद आप घर में बची हुई रोटी को फेंकने की बजाय खुद ही खाना पसंद करेंगे। तो चलिए हम फायदे देख लेते हैं। नंबर एक, दूध के साथ बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। बासी रोटी को 10 मिनट के लिए दूध में भिगो दें। सुबह के नाश्ते में दूध में भीगी हुई रोटी खाएं। ऐसा करने से जल्द ही ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहेगा। अगला है, हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर का 40 से ज्यादा हो जाने पर यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूध में भीगी हुई बासी रोटी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में कारगर होती है। अगला है, जिन लोगों को लगातार पेट दर्द की शिकायत होती है वे बासी रोटी खाएं, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। रात को सोने से पहले दूध में भीगी हुई बासी रोटी खाने से कब्ज और गैस की समस्या दूर होती है। चौथा है, डायबिटीज में बासी रोटी खाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। दिन में किसी भी समय बासी रोटी को 10 से 15 मिनट दूध में भिगोकर खाने से ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रण में रहता है। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।